नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाले पुलिसकर्मी आज खुद कोर्ट में पेश होंगे हरियाणा के अंदर। दूसरों को न्याय दिलाने वाली पुलिस आज खुद कोर्ट में पेश होने जा रही है, क्योंकि ये मामला हरियाणा के रेवाड़ी का है, जिसमें पुलिसकर्मी ही आरोपी हैं और उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल मामला गुरुवार रात का है, लेकिन गुरुवार रात 10 बजे के मामले को भी 18 घंटे तक रेवाड़ी पुलिस ने छुपा कर रखा, लेकिन लाख छुपाने की कोशिश की। जब मामला विभाग को पता लगा तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि मामला अपने आप में सनसनीखेज था। दरअसल रेवाड़ी की दो लड़कियों के साथ रेप का मामला सामने आया है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि इस रेप के मामले में जो आरोपी हैं वो हेड कांस्टेबल और एक होमगार्ड है, और उन्हीं का एक दोस्त बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल समेत तीन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और आज उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। मामला क्या था अब आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। पश्चिम बंगाल की दो लड़कियां जिन्होंने इस मामले को दर्ज करवाया है, वो स्पा सेंटर, रेवाड़ी के स्पा सेंटर में काम करती थी, किराए के एक कमरे में रह रही थी, और गुरुवार रात को उनका ये आरोप है कि पुलिस की सरकारी गाड़ी जो कि PCR में, जो तीनों ये लोग हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं, होमगार्ड हैं और इनका एक और साथी, पुलिस की गाड़ी में उनके उस कमरे के बाहर जाते हैं, उस घर के बाहर जाते हैं, उन दोनों लड़कियों को अपनी सरकारी पुलिस की गाड़ी में बिठाते हैं, और उसके बाद रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जो उन्हीं की आगे एक और दोस्त की एक प्राइवेट गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी, उसमें उन दोनों लड़कियों को बिठाया जाता है, एक होटल में लेकर जाया जाता है और उनके साथ रेप किया जाता है। हालांकि जो मामले को देख रहे हैं, जो रेवाड़ी पुलिस के DSP हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि उनके तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी हुआ है, मोहम्मद जमाल खान, उनकी तरफ से जो बयान है वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक ही लड़की के साथ रेप हुआ है और दूसरी लड़की ने ये कहा है कि हमसे पुलिस ने बदतमीजी की है। सबसे पहले मैं आपको आधिकारिक जो बयान है पुलिस का वो आपको सुनाने जा रही हूँ, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि पूरा मामला क्या था। ये एक लड़की ने शिकायत दी है, अभी पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की है और एक लड़की के साथ रेप भी किया है, तो अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है, और जिन दो लड़कों के नाम, जो एक तो हमारा हवलदार था, एक होमगार्ड था और एक प्राइवेट आदमी था, तो तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। क्या सेक्शन लगाया है सर, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम तो पूरा इस तरह से हुआ कि ये लड़कियाँ सपा में कहीं काम करती हैं, तो PCR वालों को ये उनके कमरे पे जाके चले गए ये, और वहाँ से इनको बिठा लाए और फिर इनके साथ छेड़छाड़ बदतमीजी हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तीनों लड़कों को हमने अरेस्ट कर दिया है। कहाँ ले जाके रेप किया गया? ये एक होटल बता रहे हैं, कोई अभी वहाँ की आइडेंटिफिकेशन हमने करनी है, कौन सी होटल है। तो इसमें सर जो सेक्शन की बात है, सेक्शन कौन कौन से लगाए हैं? सेक्शन 376 है, 354 है, 365 है, सभी सेक्शन लगाए हैं। तो क्या इन सभी ने रेप किया या फिर किस? अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, दो लड़कों का नाम जो अभी आया है, ठीक है, उनका तो कन्फर्म है जैसे, और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके रूम से कौन सी गाड़ी में लेके गए थे इसको, मतलब क्या पुलिस की वैन थी या फिर प्राइवेट गाड़ी थी कोई? नहीं, PCR से ही जैसे गए हैं ये, और फिर दूसरे लड़के की जो गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो गाड़ी, वो भी इस्तेमाल हुई है। क्या कह के लेके आए सर, किस लिए लेके आए थे लड़की, किस लिए इनके साथ में? अभी लड़कियों के हमने काउंसलिंग कराई है, तो काउंसलिंग में वो क्या बयान देती हैं वो हम देख लेते हैं अभी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा वहाँ के, यानी कि रेवाड़ी के DSP ने, उन्होंने ये कहा कि अभी फिलहाल जो मामला सामने आया है वो ये है कि जो लड़कियों ने जो मामला दर्ज करवाया उसमें उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने हमारे साथ बदतमीजी की है, और प्राथमिक तौर पर हमें ये जानकारी मिली है कि एक लड़की के साथ रेप हुआ है और दूसरी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है। हालांकि जो मामला बार बार यही निकल कर सामने आ रहा है कि दोनों लड़कियों के साथ रेप का मामला है, जिसमें
तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दो पुलिसकर्मी हैं और एक उनका दोस्त ही बताया जा रहा है। मैं तीनों के आपको नाम बताना चाहूँगी जो रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना में अपने पोस्ट पर थे। हेड कांस्टेबल का नाम है अनिल और होमगार्ड का नाम जितेंद्र है और एक जो उनका एक और साथी है जिसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया, जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसका नाम धर्मेंद्र है। और उनके और भी क्या कोई साथी थे, क्योंकि एक जिस गाड़ी में बताया जा रहा है, क्योंकि दो गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ इस पूरे वारदात को अंजाम देने में, एक पुलिस की PCR जो कि पुलिस की सरकारी गाड़ी थी और दूसरी स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो इन तीनों के किसी और दोस्त का बताया जा रहा है। तो यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इस पूरी वारदात को अंजाम इन तीनों ने ही दिया या फिर इनके साथ किसी और की भी मिली भगत थी। अब यहां पर सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर उन्हीं दो लड़कियों को ही शिकार क्यों बनाया गया, क्या उनके बारे में पहले से ही लोगों को पूरी जानकारी थी कि वो किसी रेवाड़ी के स्पा सेंटर में काम करती और उन्हीं को ही क्यों निशाना बनाना है, उन्हीं को ही क्यों इस रेप में इन्वॉल्व करना है। अपने आप में एक बड़ा मामला जरूर है, क्योंकि वो दोनों पश्चिम बंगाल की लड़कियां थी, वो दोनों हरियाणा की लड़कियां नहीं थी। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, 18 घंटे तक इस मामले की सूचना किसी और तक नहीं पहुंचने दी थी, लेकिन जैसे ही लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है, मामला दर्ज हो जाता है और जो रेवाड़ी के SP हैं राजेश कुमार, उन्होंने तुरंत इस मामला दर्ज होने के बाद जो हेड कांस्टेबल हैं अनिल, उनको सस्पेंड कर दिया है, उनको निलंबित कर दिया है और विभाग को लिखित में ये भी कह दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरा होमगार्ड है और उसके साथ जो दूसरा साथी है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, आप कैसे देखते हैं कि जिस पुलिस को ये पदभार दिया जाता है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे रहना है, और अगर वही लड़कियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म करेंगे तो आखिर हमारे देश की बेटियां कहां पर महफूज हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।